सर, अभी जो करंटली जो वेस्ट पेपर क्राइसिस चल रहा है उसके बारे में आपका क्या मतलब हुआ कमेंट्स है? देखिए, हिंदुस्तान में जो वेस्ट पेपर क्राइसिस हमें महसूस हो रहा है, इसका मेन कारण है यूरोप से वेस्ट पेपर का ना आना। अगर आप देखें तो वेस्ट साइड की जो मिले थी वो यूरोपियन वेस्ट पेपर पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट थी, लेकिन तकरीबन 6 महीने से वो वेस्ट पेपर हिंदुस्तान में नहीं आ रहा। तो लोगों को उम्मीद थी कि वो खुलेगा, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं खुल पाया, जिसकी वजह से सारा का सारा लोड अमेरिका पे चला गया और अमेरिका से शिपमेंट के इशू हैं तो वहाँ से माल लोड नहीं हो पा रहा। तो यही कारण है मेन वेस्ट पेपर शॉर्टेज का। दूसरी वजह यह है कि यहाँ से पेपर कुछ एक्सपोर्ट होने लगा और यहाँ पे जो वेस्ट पेपर कलेक्शन टेक्नोलॉजी है, जो हमारा रिकवरी रेट है वो काफ़ी कम है, जिसके ऊपर सरकार को थोड़ी तवज्जो करे तो हम अपना सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं। धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन अभी हमें इसमें और सुधार करने की ज़रूरत है। सर, इंडिया जो है कि फाइबर डिफिशिएंट कंट्री है, ठीक है, अब इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, डिफिशिएंसी बनी रहती है। आप क्या सॉल्यूशन देखते हैं कि जिससे डिफिशिएंसी कम हो जाए या खत्म हो जाए फाइबर डिफिशिएंसी? देखिए, कागज़ जो है वो 3 तरीके से बनता है, एक तो लकड़ी से, एक एग्रीकल्चरल वेस्ट से और एक रिसाइकिलिंग से। रिसाइकिलिंग में हम 100 किलो कागज़ घोलते हैं तो हमें 90 किलो या 85 किलो पेपर मिलता है, लेकिन उसका डिफिशिएंसी दूर करने का तरीका है कि हम एग्रो वेस्ट को बढ़ावा दें, लकड़ी से कागज बनाने को बढ़ावा दें, जिससे कि डिफिशिएंसी दूर हो सकती है और हमारा जो किसान भाई हमारे साथ जुड़ा है वो भी उससे तरक्की करेगा और हमारा देश भी तरक्की करेगा। उससे हमारे इंपोर्ट्स घटेगा, हमारे क्वालिटी ऑफ पेपर सुधरेंगे। लेकिन चैलेंज एक है उस बात में, एक तो हमें सरकार की तरफ से सपोर्ट ये चाहिए कि हमें एग्रीकल्चरल फॉरेस्ट्री अलाउ करे, दूसरी सपोर्ट हमें चाहिए कि हमें वो बहुत कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है तो फाइनेंसिस में हमें सपोर्ट चाहिए। आज हमारे हिंदुस्तान की जो पेपर इंडस्ट्री है वो काफ़ी वीक है फाइनेंशियली और पेपर मिल एक बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, तो अगर हमें एक सस्ते रेट पे कैपिटल मिले तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी ग्रोथ हो सकती है हमारी इंडस्ट्री में। आज हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, अगर आप देखें तो इतना कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें काफ़ी तरक्की का स्कोप है। तो हमें एग्रीकल्चरल वेस्ट और एग्रो फॉरेस्ट्री पर दिमाग लगाएं तो ये किल्लत दूर हो सकती है। जब से सर आपका वेस्ट पेपर बैन लगा है यूरोपियन कंट्री द्वारा, तब से लेकर अब तक कितने प्राइजेस में इनहांस आ चुका है OCC जो इम्पोर्ट प्राइजेस है, और अभी आप कितना प्राइस देख रहे हैं, कितना प्राइस और भी जा सकता है? देखिए, जब से बैन लगा है, जब अराउंड $250 के आसपास यूरोपियन वेस्ट था, आज लगभग $340 बोल रहे हैं और उम्मीद ये है कि ये $400 तक टच करें, क्योंकि वॉर की वजह से शिपिंग क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है आज की डेट में। तो शिपिंग लाइन ने काफ़ी फ्रेट्स बढ़ा दिए हैं, प्लस उन्होंने कुछ सेस लगा दिए हैं, ऑयल सेस समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट फ्रेट्स के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट है। तो उम्मीद ये करें $400 तक टच करें फ्यूचर में। OCC जो रिक्वायरमेंट है इज अ वाइड रिक्वायरमेंट है पेपर मिल्स की, सभी पेपर मिल करीब यूज़ करती हैं, ऐसे कोई मैकेनिज्म है, ऐसा कोई एसोसिएशन बन सकती है जो कलेक्टिवली वेस्ट पेपर को इंपोर्ट करे कम प्राइसेस पे, सो दैट कि ये बेनिफिशियल रहे सारी पेपर इंडस्ट्रीज के लिए जो रिसाइकलिंग फाइबर पे चलती हैं? सर देखिए, ये एक व्यापार है, कोई चंदा तो हमें करना नहीं है। तो दुनिया में जितने भी वेस्ट पेपर के धंधे हैं वो कलेक्टिवली जितना हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं उतना रेट भी बढ़ जाता है। आज चैलेंज उल्टा हो रहा है, आज चैलेंज है अवेलेबिलिटी का। अगर हम छोटी छोटी क्वांटिटीज में खरीदते हैं तो सस्ता मिल जाता है, अगर हम किसी से बोले 5,000 टन दे दो तो वो हमें $10-20 फालतू ही देता है। तो इसलिए ये कोई रास्ता नहीं है कि हमें कलेक्टिव डील करें, और वो मैच्योर भी नहीं है, वो सिर्फ बातों की बातें हैं। ये तो मैं अपनी मिल चला रहा हूँ, मुझे ही एफिशिएंट तरीके से खरीदना पड़ेगा, अपने प्रॉपर स्टॉक को मेंटेन करना पड़ेगा, तभी मैं उसे प्रॉपरली चला सकता हूँ। अभी आप कितना प्रोडक्शन पर डे बना रहे हैं और कुछ एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं सर अभी आप? देखिए, अभी हम लगभग 850 टन कागज पर डे बनाते हैं अपने पूरे ग्रुप में, जिसमें कि 650 टन हम लोग क्राफ्ट पेपर बनाते हैं और 200 टन हम लोग राइटिंग बिल्डिंग बनाते हैं। अभी कोविड की वजह से अभी हम लोगों ने अपने एक्सपेंशन को स्थगित कर रखा है, लेकिन हम देख रहे हैं हम क्या कर सकते हैं, तो नियर फ्यूचर में देखते हैं, आने वाले सालों में हम 1-2 मिल डाल सकते हैं। क्राफ्ट सेगमेंट में जाएगा या फिर वाइट पेपर सेगमेंट में आप इसको एक्सपेंड करेंगे? अभी इसको थोड़ा विचार कर रहे हैं कि किस स्थिति में जाना चाहिए, किस पेपर में जाना चाहिए, क्या प्रॉफिटेबिलिटी आनी चाहिए, क्योंकि अभी फिलहाल पिछले कुछ दिनों में लागत काफ़ी बढ़ गई है। अगर आप ध्यान दें तो लोहे की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है, ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं, तो प्लांट की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जिसके अनुपात में मुनाफा नहीं आता है। तो मंथन चल रहा है कि पेपर इंडस्ट्री में किस लेवल पर काम करना चाहिए। सर, राइटिंग प्रिंटिंग का
क्या सिनेरियो रह सकता है अभी दो तीन महीने में? अभी जैसे कोविड की वेव चली गई है, तो अभी आपको लग रहा है कि डिमांड में ग्रोथ आएगी कुछ इसके? राइटिंग प्रिंटिंग पेपर आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म करेगा। इसके पीछे दो तीन कारण है कि एक तो राइटिंग प्रिंटिंग की जो मशीन हैं वो आजकल कप स्टॉक में कन्वर्ट हो गई हैं। जैसे सरकार पेपर को बढ़ावा दे रही है, प्लास्टिक को अवॉइड करा रही है, तो जो कप्स की डिमांड है पेपर के लिए काफ़ी बढ़ गई है। तो राइटिंग प्रिंटिंग की काफ़ी मशीनें कप स्टॉक में कन्वर्ट हो गई हैं। यहाँ से एक्सपोर्ट की अच्छी वायबिलिटी आ रही है, तो काफ़ी कागज एक्सपोर्ट हो रहा है और यहाँ पे भी एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो आने वाले समय में कोर्स चेंज कर रही है सरकार, तो नेक्स्ट 3 साल तक वो चेंज होगा, तो आने वाले समय में राइटिंग प्रिंटिंग काफ़ी अच्छी डिमांड रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। यानी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं सर? जैसे बहुत सारी कंपनियाँ अपने प्रोडक्ट भी लॉन्च कर रही हैं, डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, आप कुछ प्लान कर रहे हैं सर? हम लोगों ने अभी हाल ही में 3-4 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, जिसमें कि अगर मैं क्राफ्ट में बात करूँ तो वर्जिन टॉप लाइनर लॉन्च किया है, जिसमें कि ऊपरी सतह जो है वो वर्जिन पल्प से बनाई है, इम्पोर्टेड वर्जिन पल्प से, जिसकी BF40 है। फिर हमने एक वर्जिन क्राफ्ट लाइनर बनाया है जो 350-350 ग्राम का कागज है, जिसमें 40 BF है। फिर हमने ई कॉमर्स बैग के लिए एक क्राफ्ट पेपर बनाया जो कि 60 ग्राम से लेकर 120 ग्राम तक का कागज है, प्योर वर्जिन कागज है, जिसमें हाई टीयर है, 150+ टीयर हम लोग उसमें रख रहे हैं, जो भी हिंदुस्तान में लगभग कोई नहीं बना रहा है मशीन। तो 3-4 रेंज हमने वर्जिन क्राफ्ट पेपर में बनाई है। इसके अलावा राइटिंग प्रिंटिंग में हम लोग पूरी रेंज बनाते ही हैं और कप स्टॉक भी हम लोग बना रहे हैं आज की डेट में, वेडिंग कार्ड का बेस पेपर हम लोग बना रहे हैं, तो लगभग सभी तरीके के कागजों में हम लोग ने इंटरेस्ट रख रखा है। अभी फिलहाल आप प्योरली वेस्ट पेपर बेस पे प्लांट आप फिलहाल अभी हमारे सारे प्लांट नहीं, जैसे आपका आप कह रहे हैं एग्रो रेजिड्यू में जा सकते हैं, एग्रो रेजिड्यू एक ऐसा है जिसमें रिकवरी की रिक्वायरमेंट रहती है, रिकवरी इज अगेन ऐसा कॉस्टली प्रोसीजर रहता है काम करने का, तो उसमें गवर्नमेंट की तरफ से आप क्या रियायतें चाहते हैं सर? हम गवर्नमेंट से बस यही चाहते हैं कि हमें जो आपका एग्रो रेजिड्यू को कंज्यूम किया जा सके, हमें उनसे 2-3 ही चीज़ चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, बाकी हमारी इंडस्ट्री सेल्फ डिपेंडेंट है। सबसे पहली तो हमें चाहिए उनसे कि वो हमें एग्रो को बढ़ावा दें, हमें लाइसेंसेस प्रॉपरली मिलें, आसानी से मिलें। दूसरा ये कि जो हमें ऋण लेना है बैंक से वो हमें सस्ते दर पे मिले, और तीसरा बस हमारी जो सरकारी कामकाज है वो तेजी से हो, और कुछ नहीं चाहिए। आपने कोई अप्रोच किया है किसी स्टेट गवर्नमेंट को? जैसे पंजाब में बहुत सारा पैटी स्ट्रॉज है, वो राइस स्ट्रॉज आपको आग लगा देते हैं, राधन किसी को देने से अच्छा वो आग लगा देते हैं, तो आपने किसी स्टेट गवर्नमेंट किसी चैनल के थ्रू अप्रोच किया है किसानों को? नहीं, अभी फिलहाल हमने अप्रोच नहीं किया, लेकिन इसके लिए एक ईसी अप्लाई करनी होती है, हम लोग ईसी अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन वो समय लगता है उसमें 6-8 महीने। तो मेरा बस यही चाहता है कि भाई जो भी कंपनी ईसी अप्लाई करे उसे जल्दी से जल्दी ईसी मिली ताकि काम हो, और जो लोन है वो सस्ते दर पे मिले, क्योंकि हाईली कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। तो मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि वेस्ट पेपर का एक परफेक्ट सॉल्यूशन जो है वो एग्रीकल्चरल वेस्ट ही है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी बनती है, पर आने वाले समय में जिस हिसाब से वेस्ट पेपर प्राइसेस बढ़ रहे हैं, हिंदुस्तान की काफ़ी मिले एग्रो वेस्ट पे जाने की तैयारी करेंगी। इसमें दिक्कत नहीं है जैसे आपका जो OCC कहते हैं, OCC वेस्ट, वो 5 रिसाइकिल तक जा सकता है, 5 टाइम रिसाइकिल हो सकता है, लेकिन एग्रो वेस्ट की रिसाइकिलिंग सुना में कम है सर, क्या मैं सही हूँ? ऐसा नहीं है, देखिए कागज को n नंबर ऑफ टाइम रिसाइकिल हो चुका है, ऐसा नहीं होता कि 5 शॉर्ट हो जाती है तो नहीं, तो उसके साथ हमें फिर लॉन्ग फाइबर मिलाएंगे फिर बराबर हो जाएगा, नहीं ऐसा कुछ खास फर्क नहीं आता, एग्रीकल्चर फाइबर अपने आप में सफिशियंट है और हाँ कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं। कितने लोगों की एम्प्लॉयमेंट दे रही है सर? हम लोगों के यहाँ लगभग 700 आदमी काम कर रहे हैं आज की डेट में, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, और अगर इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो लगभग 700 को आप कन्वर्ट कर लिए 3-4 हज़ार में। सर थैंक यू वेरी मच सर।